हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार कॉन्सेप्ट हैक कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज कॉन्सेप्ट हैकिंग, कॉन्सेप्चुअली क्रिस्टल क्लियर कितने हो, इतने क्रिस्टल क्लियर हो आपकी यार आपके पास नीट का क्वेश्चन आए, जेई का क्वेश्चन आए, केवीपीआई का क्वेश्चन आए, कुछ भी क्वेश्चन आए, अगर आपने वो चैप्टर ढंग से पढ़ रखा है, चाहे वो भले ही जेई एडवांस का क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, आप उसको सॉल्व कर सको। बेसिकली मैं जब भी पढ़ाई करता था मेरा प्रिंसिपल हमेशा ये रहता था कि मैं कॉन्सेप्ट को इस लेवल तक पढ़ लूँ, इस लेवल तक उसको ले जाऊँ कि चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो आज के इस वीडियो में वही बताऊंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हाई स्कोर टारगेट करना चाहते हैं 670 प्लस 680 प्लस, वो भी ये पूछते हैं कि किस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट ऐसा बनाए कि अगर कोई न्यू क्वेश्चन आ जाता है, कोई पजलिंग सा क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको कैसे टैकल करें, तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। तो कोई स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है यहाँ पे। बेसिकली क्या करना होता है, हमें जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनसे धीरे धीरे इसको बिल्ड करना होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को छोटे छोटे स्टेप से बिल्ड करते हैं, वैसे क्लास लेक्चर हो गया, आफ्टर क्लास आपको कुछ काम करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, टफ कॉन्सेप्ट्स के लिए कुछ और चीज़ें हैं, तो मैं सारी चीज़ें आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यार क्लास लेक्चर्स में। क्लास लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है कि यार क्लास में तो बस जाना होता है, लेक्चर सुनना होता है, पहली बार पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कुछ समझना है नहीं, जितना आया आया, जितना नहीं आया ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है अपने टीचर को, लिसन फर्स्ट एंड देन टेक नोट्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक गलती और करते हैं कि जो भी टीचर बता रहा है, कुछ भी टीचर समझा रहे हैं, वो सब कुछ उनको नोट करना होता है। वो एक रेस में होते हैं कि यार मैं ये भी नोट कर लूँ, वो भी नोट कर लूँ, सब कुछ नोट कर लूँ। बट मैं आपको बता दूँ, नोट करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप ढंग से उसको सुनो, ढंग से समझने की कोशिश करो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है सिर्फ वही चीज़ों को नोट करो, जहाँ पे टीचर आपको बताते हैं नोट करना है, आप उन चीज़ों को नोट करो। देन आपके माइंड में बहुत से डाउट्स आते होंगे, कंसेप्ट को जैसे जैसे आप समझने की कोशिश करोगे तो उतने ज़्यादा डाउट्स आएंगे। तो आप सेम ही डे जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करो। अगर उस टाइम पे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने नोटबुक में उसको लिख लो और बाद में जाके डाउट्स को पूछ लो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन वाले डाउट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोरिंग मान के स्किप कर देते हैं, अगर फिजिक्स की थ्योरी है, केमिस्ट्री कोई थ्योरी पार्ट है, तो उसको कंसेप्ट वाइज भी थ्योरी वाले पार्ट से भी हमें डाउट्स निकालने हैं और उन डाउट्स को भी क्लियर करना है। आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बाद हमारी आफ्टर क्लास में फिर आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। मॉक टेस्ट को लेके मैक्सिमम स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, क्लास लेक्चर समझ आ रहा है, आफ्टर क्लास भी डीपीपी वगैरह सब सॉल्व कर रहे हैं, बट टेस्ट के लिए ढंग का कोई रिसोर्स नहीं है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने और डॉक्टर सिबलिंग, जैसा कि आपको बताया देव हुडा, हमने मिलकर एक बुक लिखी है, दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से ये बुक है। मैं आपको ये बुक एक बार दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये बुक या दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से ये बुक है, 101 स्पीड टेस्ट फॉर NTA नीट UG। इसमें बेसिकली यार 96 चैप्टर टेस्ट है, 3 सब्जेक्ट टेस्ट है और 2 मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको, 2 फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होती है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। बेसिकली इस बुक में यार हमने क्या किया है, हमने ट्राई किया है कि एकदम यूनिक और इनोवेटिव चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए पूरा एकदम चैप्टर टेस्ट बहुत सारे हो, और अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम बचा हुआ है हमने इस तरीके से बनाया। 96 चैप्टर टेस्ट, हम कहते हैं कि डेली आपको कुछ ना कुछ टेस्ट देते रहना चाहिए, तो अगर आप ये डेली करते हो तो 100 डेज के आसपास आपको टोटल टाइम लगेगा, आपके पास उससे ज्यादा टाइम है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि डेली टेस्ट देना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप अल्टरनेट डे पे टाइम पे टेस्ट दे सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो एक अच्छा टेस्ट रिसोर्स चाह रहे थे उनके लिए मैं ये टेस्ट प्रेप वाला बुक जरूर रिकमेंड करूंगा। बिल्कुल फुल सॉल्यूशंस भी हमने प्रोवाइड करे हैं, जो मार्केट में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्या होती है, पहला प्रॉब्लम होता है कि रेलिवेंट नहीं है, जितने भी टेस्ट सीरीज बेस्ड बुक्स वगैरह हैं वो या तो रेलिवेंट नहीं है, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, हमने प्रॉपर इसको फुल अपडेटेड NTA की जो न्यू सिलेबस आई है उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड सिलेबस अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया है, रेलिवेंट प्रिपेयर किया है कि जो लेवल एग्जाम में आता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जितना लेवल तक चाहिए उसी लेवल तक प्रिपेयर किया है। और सिर्फ यही नहीं यार, एक और प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशंस बहुत सारे गलत दिए होते हैं, वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बुक खुद मैंने और देव हुडा, आपको पता होगा डॉक्टर सिबलिंग्स चैनल के, हम दोनों ने मिलकर ये बुक को प्रिपेयर किया है, क्वेश्चंस को क्यूरेट किया है, उसके सॉल्यूशंस वगैरह को चेक किया कि वो बिल्कुल सही है या नहीं, ताकि आप सब इस बुक को ढंग से यूज करके प्रिपेयर कर सकें। अब यार आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है यार आफ्टर क्लास। आफ्टर क्लास हमें क्या करना है, आफ्टर क्लास हमें नोट्स जो हमने बनाया, इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स, टीचर ने जो बताया उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने नोट की थी, प्लस जो क्लास नोट्स है जो टीचर ने आपको बताया कि हाँ आपको ये नोट करना है, तो वो सब नोट्स आप खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश करो। अब बार बार याद करने की कोशिश करो कि आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ें खुद ही याद आती है, अगर आप सेम डे प्रिपेयर करते हो। ये चीज़ें सेम डे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी दिन आपको रिलेट होगा, उसी दिन आपको सब चीज़ें समझ आएगी कि हाँ यार आज तो सर ने क्लास में ये बताया था। अगर आपने ध्यान से सुना है तो बहुत ईजिली वो चीज़ें कोरिलेट होंगी। फिर आपको क्या करना है, NCERT को आप पलटो, गो ओवर NCERT ऑफ द टॉपिक दैट वॉज टॉट।
क्योंकि यार देखो क्लास में या कोचिंग्स में जनरली एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाया जाता है, तो हमें वो एनसीईआरटी को पलट के देख लेना है। आप एक और काम कर सकते हो, वो जो कॉन्सेप्ट है आप किसी फ्रेंड को एक बार पढ़ा के या समझाने का ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब वो आपसे डाउट पूछेंगे तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हाँ यार इस तरीके से तो मैं सोच ही नहीं रहा था, ये वाला जो पार्ट है तो मैंने दिमाग ही नहीं लगाया था। तो कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम ये चीज़ समझ गए, बट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, छोटे छोटे लूप होल्स होते हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला डेरिवेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना समझना इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन को लिख के प्रैक्टिस करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं। याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर्मूला कैसे आ रहा है उस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं हमेशा कहता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली डीपीपी वगैरह पे जंप करते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यार आप पहले कुछ फ्यू सॉल्व एग्जाम्पल्स को ट्राई करो, ऐसा नहीं कि आपको एकदम डायरेक्टली डीपीपी पे जाना है। अगर सॉल्व एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप देखोगे सॉल्यूशन देखो, आपको पता लगेगा, क्लास में भी आपके टीचर्स वगैरह समझाते ही हैं। आप हर एक जो सिंगल क्वेश्चन के साथ आप कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की कोशिश करो, एटलीस्ट जहाँ तक पॉसिबल है। हर एक क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा, बट जहाँ तक पॉसिबल आप क्वेश्चन से ट्राई करो कि हाँ थ्योरी में सर ने ये चीज़ समझाई थी, या फिर ये वाला जो फॉर्मूला ये सर ने अप्लाई करने का बताया था, तो इस तरीके से रिलेट हो रहा है कॉन्सेप्ट से। आप कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, थोड़े जो डिफिकल्टी लेवल अप होता है जिसमें या कॉन्सेप्चुअल होता है, जो टीचर्स ही आपको बताते हैं कि हाँ यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत कॉन्सेप्चुअल, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो काफी सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर फाइनल काम आता है कंसाइज करना, क्योंकि हम लोग कई बार सब चीज समझ जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी कर लेते हैं, बट हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते। तो ये रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को कंसाइज करो, छोटा करके अपने नोट्स में एड ऑन कर लो, या फिर एक एक क्वेश्चन की जो हम कहते हैं ना कि जो टफ क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हम उन क्वेश्चंस के नंबर को एटलीस्ट नोट कर ले कि अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं बाद में तो मेरा पूरा ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, आपका जो थ्योरी वाला बुक है या कॉन्सेप्ट या नोट्स है जो क्लास नोट्स है उसमें भी आप कॉन्सेप्ट्स के आसपास आप क्वेश्चन नंबर्स लिख सकते हो कि हाँ यार ये वाला फॉर्मूला या फिर ये जो डेरिवेशन है इस पे बेस्ड मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिला था, मैं इसके पास ही क्वेश्चन नंबर नोट करके रख लेता हूँ। इस टाइप से आप इन चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो। लास्ट में बस मैं ये कहूँगा, जो टफ कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के देख सकते हो, एटलीस्ट पढ़ के समझ के देख सकते हो। मेरे लिए चीज़ें काफ़ी हेल्प की थी, तो इसमें मैं फिजिक्स के लिए कहूँगा HC वर्मा की आप थ्योरी कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है उस लेवल के क्वेश्चंस, नीट में तो एटलीस्ट नहीं आते। केमिस्ट्री के लिए NCERT और बायोलॉजी के लिए भी NCERT मोर देन इनफ है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। JEE मेंस के PYQs बहुत मेरे को कंसेप्चुअली अच्छे लगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप कर सकते हो। KVPY वगैरह के भी अगर आपको फ्री आंसर क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। सर ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा आपको, होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया है कि कैसे आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हैं। फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।